हम बात करने वाले हैं टेनिसन के बारे में। टेनिसन के बारे में बात करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि टेनिसन, यूजुअली हम टेनिसन को एज अ पोइट जानते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कुछ प्लेस भी लिखे हैं और उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक को अगर आप लोग दो चार बार पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को सारे जो उन्होंने प्लेस लिखे हैं वो आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो उन्होंने प्लेस कौन कौन से लिखे हैं वो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला है आप लोगों का दी फाल्कन, और इसको एक शॉर्टकट के जरिए इसलिए भी बताया है मैंने क्योंकि हम यूजुअली भूल जाते हैं, क्योंकि हमें टेनिसन माइंड में रहता नहीं है कि उन्होंने कोई प्ले लिखे होंगे, एज अ पॉइंट ही हम उनको याद रखते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। इसके बाद दूसरा उन्होंने वर्क लिखा है द कप, ओके। पहला वर्ड है द फाल्कन, दूसरा है द कप, तीसरा है क्वीन मैरी। क्वीन मैरी उन्होंने एक वर्क लिखा था। उसके बाद था हेरोल्ड, हेरोल्ड, और फिर इसके बाद है बैकेट। ये उनके चार प्लेस हैं। अब इन प्लेस को आप लोगों को याद कैसे रखना है, आप एक छोटे छोटा सा यहां पर लिख लेते हैं हम। ओल्ड बैकेट, ओल्ड बैकेट फेल फॉल ऑन क्वीन मैरी, क्वीन मैरी विद अ टाइनी कप, टाइनी कप। ओल्ड बैकेट फॉल ऑन क्वीन मैरी विद अ टाइनी कप, ये आप लोगों का शॉर्टकट है। ओल्ड से आप लोगों को याद हो जाएगा हेरोल्ड, ओके। हेरोल्ड, बैकेट, फाल्कन एंड क्वीन, क्वीन मैरी, ऑलरेडी नाम ही क्वीन मैरी है, विद अ टाइनी कप। टाइनी क्यों यूज किया है मैंने यहाँ पे, इसलिए किया है क्योंकि हम बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाते हैं, शॉर्टकट याद रह जाता है और ये भूल जाते हैं हम कि ये एक्चुअल में किसका शॉर्टकट था, ठीक है। ये भी हमारे साथ होता है कई बार, तो इसलिए जो भी मैं शॉर्टकट बनाता हूँ उसमें राइटर को कहीं ना कहीं डाल देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को उसको को रिलेट कर पाए। तो कब से तो आप लोगों को याद हो ही गया है, तो सारे के सारे प्लेज आप लोगों को याद हो जाएंगे अगर दो तीन बार बोलिए ओल्ड ओल्ड बैकेट फॉल ऑन क्वीन मैरी विद अ टाइनी कप। और अगर आप इस तरह से इसका छोटा सा एक ड्राइंग भी बना लेंगे, ये हो गई आपकी क्वीन मैरी, ये हो गया आपका ओल्ड, ओके, ये आप लोगों का क्या है ओल्ड बैकेट है, और वो चाय लेके आ रहा था क्वीन मैरी के लिए, और वो क्या हो जाता है क्वीन मैरी के ऊपर गिर जाता है, तो आप लोगों को सिंपली इस तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो वर्क्स हैं उनको हम देखेंगे। तो उनका पहला जो वर्क आप लोगों को याद रखना है वो है आपका टिथनेस। टिथनेस, टिथनेस जो वर्क है उनका, वो आप लोगों का 1833 में लिखा गया था, और ये यूलिसिस की तरह, यूलिसिस टेनिसन का ही वर्क है, और टेनिसन ने उसे भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में ही लिखा था, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है जो टिथनेस है वो भी क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। इसके बाद है आप लोगों का कि ये लिखा किसके गया था, तो ये उन्होंने हलम के साथ में रिलेशनशिप, टेनिसन और हलम के बीच में जो रिलेशनशिप थी, हलम और टेनिसन, ठीक है, दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप थी उसके लिए उन्होंने ये लिखा गया था। एंड लव बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ लव बाय एज, ये उनका हम कहें कि थीम थी इस वर्क की, टिथनेस की। नेक्स्ट आता है द टू वॉइसेस, उन्होंने लिखा है दूसरा वर्क, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने से थोड़ा ब्रेन में हमें जल्दी याद होता है, अगर आप लोगों ने इसे यूज किया हो या नोट्स बनाते हुए आप लोग देखते होंगे। द टू वॉइसेस जो पोएम है वो भी इन्हीं की है, और अगर हम बात करें कि ये उनका एक ग्रेट जो एलेजी थी इन मेमोरियम, उसी का एक पार्ट तो नहीं था लेकिन ये स्पिरिचुअली उसका पार्ट माना जाता है। किसका पार्ट माना जाता है, इन मेमोरियम का, इन मेमोरियम, इन मेमोरियम का पार्ट माना जाता है किसको, दी टू वॉइसेस। अब ये फिजिकली नहीं था, ये क्या था, स्पिरिचुअली था। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि स्पिरिचुअली किसको पार्ट माना जाता है, तो वो था आप लोगों का द टू वॉइसेस।
उसके बाद आ जाते हैं डेफिनेटली जो टू वॉइसेस जो वर्क था वो उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखा था, और वो कौन थे? आर्थर हलम। ओके, और आर्थर हलम के बारे में क्योंकि वो दुखी थे, ही पास्ट अवे एंड ही रोट दिस पोएम फॉर हिम। इसी का एक दूसरा, इस पोएम का दूसरा नाम क्या था, या हम कहें कि सब टाइटल जो था वो था आप लोगों का थॉट्स, थॉट ऑफ अ सुसाइड। ये उन्होंने पोएम का दूसरा सब टाइटल रखा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक उन्होंने लिखा है टीयर्स आइडल टीयर्स, टीयर्स आइडल टीयर्स, यहां इसे लिख लेते हैं टीयर्स आइडल टीयर्स। तो ये आप लोगों की किस तरह की पोएम थी? ये आप लोगों की एक सैड पोएम है, या हम इसे कहेंगे मेलंकली पोएम है, और ये जो है आप लोगों की ये हैप्पीनेस से रिलेटेड पोएम है। ठीक है, मींस यहाँ पे अगर टीयर्स देखेंगे तो इसका जो साउंड है वो हमें लगेगा कि ये भी मेलंकली होगी, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, हैप्पीनेस से रिलेटेड है, और जो टीयर्स की बात की गई है वो खुशी के आंसू की बात की गई, खुशी के आंसू। ठीक है, और ये जो था टीयर्स आइडल टीयर्स, ये एक सॉन्ग है जो कि द प्रिंसेस में इसको इंक्लूड किया गया था, मींस ये द प्रिंसेस का पार्ट है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये किसका पार्ट है? द प्रिंसेस का पार्ट है, और ये द प्रिंसेस का जो कैंटो फोर्थ है, कैंटो फोर्थ, उसमें ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट हिज हैप्पी डेज एंड टीयर्स रोल डाउन हिज चीक। नाउ नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है उनकी, वो है आप लोगों की यूलिसिस। यूलिसिस जो पोएम है वो आप लोगों की पब्लिश हुई थी 1842 में, और ये साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों की, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है टिथनेस, और यूलिसिस भी आप लोगों का क्या था, ड्रामेटिक मोनोलॉग था, शॉर्ट में आप डीएम लिख सकते हैं। इसमें जो यूलिसिस है वो कहाँ से है, वो आप लोगों का एक आ, आ, ग्रीक हीरो है। यूलिसिस क्या है? ग्रीक हीरो है, और इसमें फेमस कोटेशन या पहली लाइन आप लोग याद रख सकते हैं इसमें, आई कैन नॉट ट्रेवल रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, बहुत ही फेमस कोटेशन है इसकी, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। तो इतने नोट्स आप लोगों ने बना लिए होंगे, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। और नेक्स्ट जो पोएम है उनकी वो है लोटस सीटर, लोटस ईटर्स, ईटर्स। थोड़ा सा जो पेन है वो आज बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा। द लोटस ईटर्स जो है वो पब्लिश हुई थी आपकी 1832 में। ठीक है, और ये इसका जो सोर्स है, लिखने का जो सोर्स है वो कौन सा है, वो होमर की ओडिसी से लिया गया है, और होमर की ओडिसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ये बुक बुक 11 से लिया गया है, ओडिसी जो बुक है उसके बुक 11 से इसको लिया गया है। और इसमें किसके बारे में है, ये आप लोगों का है एक सेलेस के बारे में, जो कि घूमते घूमते भटकते भटकते कहाँ पहुंच जाता है, एक आइलैंड पे पहुंचता है जहाँ की लोटस ईटर्स उसको मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का ओइनिन, ओइनिन जो पोएम है इसमें जो कैरेक्टर है वही वो कौन है, ओइनन ही है, और ये भी आपकी 1832 में है, तो ये आप लोग एक साथ देख सकते हैं, ये भी 32 है और ओइनन भी कब है, इन 32 में है। और ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है आपका ट्रॉय, फॉल ऑफ ट्रॉय के बारे में है, और हेलेन के बारे में है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये है आप लोगों का क्रॉसिंग दी बार, नेक्स्ट जो वर्क है उसे देख लेते हैं, और उसके नोट्स आप लोग लिख लीजिए, क्रॉसिंग दी बार।
क्रॉसिंग द बार, क्रॉसिंग द बार ये उनका एपिटाफ भी है और उनकी जो टोम है उसमें भी इसको लिखा गया है। यहाँ पे इसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि इसको इस जो जो ये वर्क है दिस वन ऑफ द पोइट भी इसको कहा जाता है, दिस स्वान सॉन्ग ऑफ द पोइट, स्वान सॉन्ग ऑफ द पोइट। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप नोट्स चाहते हैं या वीडियो क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं बीएन ट्यूटोरियल्स पर, और डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जिससे कि हम आपको कोर्सेज में एडमिशन दे पाएँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्सेज के लिए तो आप डेफिनेटली व्हाट्सएप पर ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो क्रॉसिंग द बार जो है उनका एपिटाफ था, और साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्रॉसिंग द बार में कि वहाँ पे द पायलट वर्ड यूज किया गया, द पायलट किसके लिए यूज किया गया है, तो ये गॉड के लिए यूज किया गया है या स्पिरिचुअल पावर के लिए यूज किया गया है जो कि पोइट को क्या कर रहा है, हर टाइम गाइड कर रहा है। तो यहाँ पे पायलट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, गॉड के लिए यूज हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्क है वो है आप लोगों का मॉर्टिडियो। मॉर्टिडी आर्थर से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो आर्थर है ये सबसे पहले तो किंग आर्थर के बारे में ये है, किंग आर्थर एंड राउंड टेबल की जो स्टोरी है उस पर डिपेंड है, और इसमें एक क्वीन के बारे में भी है और क्वीन का नाम होता है गिनीवा। गिनीवा जो है इसमें क्वीन है। नाउ यस, एक जो इसकी इम्पोर्टेंट बात कहूँ मैं, इम्पोर्टेंट एक कोटेशन है जो बहुत बार पूछी गई है, The older order changes, yielding place to new, ये इसकी कोटेशन है, तो आप लोग लिख लीजिए इसको, The older order, the older order changes, yielding place to new. Place to new. ये बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। और अगर आप इतने सारे फैक्ट्स टेनिसन के बारे में याद रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके आपका जो एग्जाम होगा उसमें टकराएगा आपसे। उसके बाद एक वर्क है उनका द लेडी ऑफ शैलेट, लेडी ऑफ सैलेट, ये उनका वर्क है और इसे टेनिसन का मास्टरपीस भी कहा जाता है। ये क्या है आपका, टेनिसन का मास्टरपीस भी इसको कहा जाता है, और ये भी आप लोगों का किंग आर्थर से रिलेटेड स्टोरी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसमें जो लेडी ऑफ द सैलेट है वो क्या रहती है, एक वेब में घिरी हुई रहती है, एक जाल में घिरी रहती है, एंड शी इज ऑल अलोन, और वो क्या रहती है, अकेली ही रहती है, इन अ मैजिकल वेब, इन अ लॉफ्टी लोनली लॉफ्टी टावर। इसके बाद उन्होंने एक और पोएम लिखी थी, उसका नाम था ब्रेक ब्रेक ब्रेक, पोएम उन्होंने लिखी उसका नाम क्या था, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और ये पोएम जो उनकी पब्लिश हुई थी ये भी उनके 42 में ही पब्लिश हुई थी, 1842, आप लोगों को याद रखना है, इसका पब्लिकेशन जो ईयर था वो था 1842। और ये उन्होंने काफ़ी 9 साल बाद लिखी थी, किसके डेथ के, डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हलम के बारे में ही ये लिखा गया था, और वो उस टाइम कहाँ बैठे हुए थे, वो अपने फ्रेंड आर्थर हलम के लिए उन्होंने काफ़ी सारी पोइम्स लिखी हैं, तो उनका जो फ्रेंड था, और कितने साल बाद, 9 साल बाद, 9 years after the death of Arthur Hallam, he was sitting on the grave of his friend,
वो अपने फ्रेंड का के ग्रेव पे थे उस टाइम पे, कब्र पे जा रखे थे, और उनकी याद में उन्होंने फिर से ब्रेक 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 पोएम लिख दी थी। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सारी लिख ली होंगी, सारे नोट डाउन कर लिए होंगे सारे नोट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।